हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज काफी दिनों बाद हम यहाँ पर बात करने वाले एक आईपीओ से रिलेटेड। एक बेहतरीन आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया है, वो आईपीओ यहाँ पर अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है। और अगर किसी पर्टिकुलर आईपीओ का जीएमपी अच्छा खासा चलता है तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जिस आईपीओ से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ के नाम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगी कि इनकॉर्पोरेटेड इन 1980, ओके, 1980 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ था ये पर्टिकुलर कंपनी। और यहाँ पर अगर बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल इन इंडिया यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। मतलब इंडिया में चौथे नंबर पर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल में आता हुआ दिखाई देता है। और कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद अ फोकस ऑन लार्ज अप्लायंसेज, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स एंड स्मार्ट अप्लायंसेज, आईटी एंड अदर्स। तो अगर हम बात करें, ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है, साथ में ये ज्यादा फोकस उन लार्ज अप्लायंसेस पर करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स एंड स्मार्ट अप्लायंसेस में यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है। कंपनी के पास लगभग कितने 6000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, ओके, मतलब 6000 यहाँ पर स्टॉक रखने वाली जगह है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, ओके। और यहाँ पर हम बात करें फ्रॉम मोर देन 70 कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, यहाँ पर 70 से ज्यादा यहाँ पर इनके पास ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी बिजनेस मॉडल में यहाँ पर देख सकते हैं ओनरशिप मॉडल है पूरा का पूरा। द कंपनी ओन्स द अंडरलाइंग प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द लैंड एंड द बिल्डिंग। तो देखिए डीमार्ट यहाँ पर फेमस होता हुआ दिखाई दिया था। क्यों फेमस हुआ था आपको पता है डीमार्ट? डीमार्ट का बिजनेस क्या है? डीमार्ट यहाँ पर जब भी कोई भी स्टोर खोलता है तो यहाँ पर ये किसी से लीज पे लेके यहाँ पर नहीं ओपन करता। जब ये अपने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्टोर ओपन करता है तो उसे बाई करता है पूरा का पूरा और फिर यहाँ पर ओपन करता है। तो इसलिए डीमार्ट आप देखेंगे तो आज भी भागा है और अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर आने 2017 से लेके अभी तक अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सेम मॉडल पर ये चल रहा है, कंपनी ओन्स द अंडरलाइंग प्रॉपर्टी, से ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ओन करते हैं, लैंड को और बिल्डिंग को। तो ये एक पॉजिटिव बात है। और लीज रेंटल मॉडल की बात करें तो कुछ यहाँ पर इनके लीज पे भी है, जैसे कंपनी हैज एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट यहाँ पर कर रखा है विद द प्रॉपर्टी ओनर। एज ऑफ अगस्त 15/21 आउट ऑफ द टोटल 99 स्टोर कंपनीज ऑपरेटेड, 8 स्टोर्स आर ओन्ड, ओके, लगभग 8 यहाँ पर इनके खुद है और 85 जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर इन्होंने ले रखे हैं। और जो 6 है वो पार्शियली ओन है, मतलब आधे उन्होंने खरीद रखे हैं और आधे क्या है यहाँ पर लीज पर है। तो कंपनी की बात करें यहाँ पर रिटेल में, यहाँ पर जो हम देख चुके हैं कि हमारे पास कितने मल्टी ब्रांड्स की बात करें, 88 स्टोर्स आर मल्टी ब्रांड आउटलेट है, 11 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम द रिटेल अच्छे खासे यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है, ओके। होलसेल की बात करें, कंपनी आल्सो एंगेज इन द होलसेल बिजनेस ऑफ कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर होलसेल के बिजनेस में भी कंपनी काम करती है, सप्लायर्स प्रोडक्ट टू सिंगल शॉप, ओके, इन आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना रीजन, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो अगर डोमिनेशन की बात करें, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है यहाँ पर साउथ इंडिया में ज़्यादा इनका डोमिनेशन है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा काम करती हुई दिखाई देती है। बट जो ये पैसा अब ये आईपीओ के थ्रू रेज करने वाले हैं 500+ करोड़ के आसपास का, तो इसका क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये एनसीआर में भी आने वाले हैं, एनसीआर में भी उतरने वाले हैं। और याद रखिए धीरे धीरे अपने पाँव ये अच्छे खासे तरीके से पसार रहे हैं। कंपनी की बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी यहाँ पर ये फंक्शनल है, ओके। तो कंपनी हर तरीके से, मतलब ई कॉमर्स की बात करें, होलसेल के बिजनेस की बात करें, रिटेल की बिजनेस की बात करें, तो हर तरीके से कंपनी काम करती है। जब हर तरीके से कंपनी काम करती है तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी को आने वाले टाइम पे भी होगा सॉरी। और अभी की बात करें तो अभी भी कंपनी को एक बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे कंपनी की वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा इनके कुछ ब्रांड है, जैसे कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देखा होगा, साउथ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, ओके। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए आईक्यू के अभी नए फोन्स आए हैं और यहाँ पर किसके फोन आया, एप्पल के, ओके। तो एप्पल और आईक्यू की जो ऑथराइज रीसेलर है ये पर्टिकुलर कंपनी ही है, ऑथराइज एप्पल रीसेलर,
ऑफर्स मैचेस एक्सपीरियंस इन रिटेल। और किचन स्टोरीज की बात करें तो लग्जरी बिल्ड इन किचन अप्लायंसेज एंड मॉड्यूलर किचन एक्सपेरिमेंटल शोरूम्स यहाँ पर इनका ही है। ऑडियो एंड बियॉन्ड की बात करें द बेस्ट ऑफ होम ऑटोमेशन एंटरटेनमेंट एंड सिक्योरिटी अंडर द रूफ। तो कंपनी के पास हर चीज में ये काम करती है ना, तो यहाँ पर या तो रिसेलर यहाँ पर ऑथराइजेशन ले रखी है, ऑथराइज रिसेलर है। इसके अलावा बात करें बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, किचन अप्लायंसेज के यहाँ पर प्रोडक्ट है, ऑडियो से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए लगभग 10.57 लाख रिटेल एरिया यहाँ पर दिखाई देता है। 2023 इनके एम्प्लॉयज है, ये 2022 का डेटा है अप्रैल के हिसाब से, और 70+ इनके ब्रांड्स हैं और 105 स्टोर्स हैं और 4 डिकेड्स मतलब पिछले 40 साल से ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आती है, एक बार जाके इनकी वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। कंपनी के और भी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो कंपनी का यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल्स। कंपनी लगातार 2019 से अगर हम यहाँ पर देखें तो 2019 से फाइनेंशियल्स देखिए बढ़ते हुए, टोटल एसेट हमें देखनी नहीं होती, टोटल रिवेन्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2826 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर रिवेन्यू था। फिर रिवेन्यू की बात करें तो 3180 के आसपास हुआ, 2021 में 3207 के आसपास हुआ, मार्च में बात करें 2022 में तो 4353, और अभी पिछले 3 महीने की बात करें एक क्वार्टर के तो 1410। तो यहाँ पर देखिए कंपनी लगातार इनकी रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में भी जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं और आने वाले यहाँ पर और रिजल्ट आएंगे तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएंगे। और यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है, और अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 160 करोड़ के आसपास आता है, और 160 भी नहीं मानते हम मानते हैं कि 150 के आसपास भी आ जाता है। तो अभी यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे क्या है, यहाँ पर इंक्रीज दिखा रहा है, कंटिन्यूशन पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पर कि इनके रिवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये कंपनी यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती है, कुछ डेट है वो डेट पे करना चाहती है, और यहाँ पर जनरल पर्पज के लिए जो होता है वो यहाँ पर इनका फोकस एक्सपेंशन है, ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा देखिए तो कंपनी 4 तारीख को यहाँ पर आज के दिन में ये ओपन होती हुई दिखाई दिया है, इसका IPO 7 तारीख को इसका लास्ट डेट है। तो हमें यहाँ पर आपको लगभग 4 दिन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड यहाँ पर देखिए 10 की फेस वैल्यू है, तो अच्छे खासे फेस वैल्यू पे आ रहा है, ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी इसकी तरह 1 के फेस वैल्यू पे आए। इसके अलावा यहाँ पर ये कंपनी का जो IPO का प्राइस है 56 to 59 रुपीज है, तो यहाँ पर अच्छा खासा रीजनेबल प्राइस में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 254 शेयर्स मतलब एक लॉट में आपको 254 शेयर्स मिलेंगे, और अच्छा खासा यहाँ पर ये शेयर आपको रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। QIB में बात करें तो लगभग 50% है, NIE की बात करें तो 15, और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि रिटेल्स के लिए लगभग 35% का शेयर इन्होंने रख रखे है, तो ये एक पॉजिटिव बात है, तो ज़्यादा रिटेलर्स को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स यहाँ पर पवन कुमार बजाज और करण बजाज आर द कंपनी प्रमोटर्स है, तो इसकी तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 तारीख को ओपन हुआ है, 7 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ पर 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा आपको मिला है या नहीं मिला होगा तो 13 तारीख को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, 14 तारीख को यहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 17 तारीख को 17 अक्टूबर को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया IPO की यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। रिटेलर्स के लिए यहाँ पर अगर बात करें 13 मैक्सिमम यहाँ पर लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, लगभग 3302 शेयर लगभग 1,94,818 रुपये के लिए, एक लॉट का साइज लगभग 14,988 रुपये है, और फिर उसके बाद यहाँ पर HNI कैटेगरी मतलब 2 लाख प्लस में यहाँ पर HNI में आ जाता है, और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास लगभग 100% के शेयर्स है, और एक बार जब ये IPO आ जाएगा यहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और 77.97% के शेयर रह जाएंगे। बट आपको पता है विद इन 3 ईयर्स यहाँ पर प्रमोटर्स को 75:25 का यहाँ पर जो सेबी का रूल है वो यहाँ पर फॉलो करना होगा, तो बीच में एक OFS या QIB या कुछ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी के GMP की बात कर लेते हैं। विदाउट GMP हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता किसी IPO में। GMP जितना अच्छा शेयर का प्राइस उतना बढ़ेगा। देखिए 59 रुपीज़ का IPO अगर हम कट ऑफ पे लेते हैं यहाँ पर आता है, और यहाँ पर देखें तो 35 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जिसका मतलब 57-58% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन। तो यहाँ पर जैसे ही शेयर आता है तो लगभग ये शेयर अच्छे खासे आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, और लगभग उसी दिन आपको 58% का ही प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो शेयर में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर अप्लाई करके चल सकते हैं, बेहतरीन यहाँ पर GMP आ रहा है, बिजनेस मॉडल काफ़ी बेहतरीन है, और जिस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो अप हो रही है, इंडिया ग्रो अप हो रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नए नए घर बन रहे हैं और नए नए घरों में ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स है, क्लासेज ओपन करिए तो आप क्लासेज ओपन इंक्वायरी के लिए कोर्स की यहाँ पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।